हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारा डिजाइन आज हम इसे बनाना सीखेंगे। इस डिजाइन को आप जेंट्स हाफ स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, कुर्ती में, शॉल में, स्टोल में, जैकेट में, कार्डिगन में, बेबी कैप में, सॉक्स में, हर प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। 6 मल्टीपल करने के बाद 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पर डिजाइन इक्वल करने के लिए यहाँ 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं और 2 फंदे एस तरह स्टिच के हैं। इस तरह से 5 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। और ये 6 सिलाई का डिजाइन है, इसमें 6 सिलाई हमें बार बार रिपीट करनी होती है। ये देखिए, ये हमारे डिजाइन की सीधी साइड है। सीधी साइड इस तरह से नज़र आएगी और ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से इस तरह से नज़र आता है। 6 सिलाई का डिजाइन है और इसमें हमें 6 मल्टीपल के फंदे चाहिए। इस तरह से यहाँ से, ठीक है, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने इसमें 23 फंदे लिए हैं, 23 फंदे लिए हैं। 18 फंदे 6 मल्टीपल करने के बाद हैं, 5 फंदे एक्स्ट्रा हैं और 2 सिलाई उल्टे की हमने बना ली है। यहाँ पर ये डिजाइन सीधी साइड से स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आ गए। यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, ऊन आगे ही रखेंगे अपनी तरफ इस तरह से और 3 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3, 3 फंदे स्लिप किए। अब 3 फंदे उल्टे बनाएंगे इसी तरह से। ये देखिए, ये 6 फंदों का एक पैटर्न हो गया है। पहला फंदा स्लिप किया है, उसको काउंट नहीं करते। उसके बाद 3 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदे स्लिप किए। ये 6 फंदे हो गए हमारे। अब यही 6 फंदे हमें बार बार रिपीट करने हैं, ठीक है। फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3, ये हमारे 2 डिजाइन हो गए, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे स्लिप, 1 2 3, आखिर में 4 फंदे बचे हैं, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे इनमें से। 1 2 3, आखिर का ऐसा स्टिच का फंदा उल्टा बना, सीधा बना लेते हैं। उन पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे। ये फर्स्ट उल्टी साइड है, दूसरी सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उन पीछे लेकर जाएंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 3 फंदे सीधे। 1 2 3, ऊन आगे करेंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3, ये 6 फंदों का एक डिजाइन हो गया। यही 6 फंदे हमें फिर से बार बार रिपीट करने। 1 फंदा स्लिप किया, उसके बाद 3 फंदे सीधे बनाए, ऊन आगे की अपनी तरफ इस तरह से और 3 फंदे स्लिप किया। अब यही फिर से हमें रिपीट करने हैं, ऊन पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3, फिर ऊन आगे करेंगे अपनी तरफ, 3 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3, 2 डिजाइन हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब फिर से ऊन पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ऊन आगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक 3 डिजाइन हो गए। ऊन पीछे, आखिर में 4 फंदे बचे हैं, 3 फंदे सीधे। 1 2 3, ऊन आगे, आखिर का फंदा एस्टा स्टिच उल्टा बना ले। तीसरी सिलाई है सीधी साइड, ये पूरी सिलाई सीधी बनेगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी के सभी फंदे सीधे सीधे बनाकर सिलाई को पूरी करेंगे। तीसरी सिलाई सीधी बनेगी आखिर तक।
तीसरी सिलाई, चौथी सिलाई है रॉन्ग साइड, उल्टी साइड की चौथी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी के सभी फंदे उल्टे बनाकर सिलाई को पूरी करेंगे। पांचवी सिलाई है सीधी साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, चार फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4, चार फंदे सीधे। अब ये जो बीच का फंदा है, पहला फंदा स्लिप किया फिर चार फंदे सीधे बनाए, यहाँ पर हमने तीन फंदे स्लिप किए थे, ये धागा आया है इस तरह से, तो ये जो बीच का फंदा है पहले हम इसको उठाएंगे यहाँ से, ये जो लूप बनकर आई है इस तरह से, ये देखिए तीन फंदे स्लिप किए थे ना, तो यहाँ पर ये लूप बनकर आई है, पहले हम इसको सिलाई पर उठाएंगे इस तरह से, फिर ये जो बीच का फंदा है तीन फंदे स्लिप किए थे उसमें से ये बीच का फंदा है, इसको बुनना है हमें सीधा, इसके साथ दोनों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से, पहले इसको निकाल लिया फिर इसको इसके ऊपर से उतार दिया और एक फंदा सीधा, ये छह फंदे हो गए, छह फंदों का एक डिजाइन हो गया। देखिए चार फंदे सीधे बनाए, फिर एक फंदा लूप के साथ हमने सीधा बनाया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, छह फंदे हो गए। अब यही फंदे हमें फिर से रिपीट करने हैं, चार फंदे सीधे, 1 2 3 4, चार फंदे सीधे। अब ये लूप का फंदा उठाएंगे और ये बीच का सीधा फंदा है इसके साथ सीधा बनाएंगे, ठीक है, ये देखिए इस तरह दोनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, दोनों को एक साथ बनाएंगे, एक फंदा सीधा, ये छह फंदे हो गए, दो डिजाइन हो गए हमारे पूरे। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, चार फंदे सीधे, 1 2 3 4, चार फंदे सीधे, ये लूप का फंदा और एक ये बीच का फंदा, दोनों को एक साथ बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से दोनों को एक साथ निकाल लिया, इसको उतार दिया, अब एक फंदा सीधा। अब ये आखिर में चार फंदे बचते हैं, चारों सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4, पांचवी सिलाई पूरी हो गई। छठी सिलाई है रॉन्ग साइड, इसको पूरी उल्टी बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सभी उल्टे फंदे बनाकर सिलाई को पूरी करते हैं। छह सिलाई पूरी होने पर इस तरह से ये डिजाइन बनकर आ गया है। छह सिलाई पूरी होने के बाद फिर से हम ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, ये छह छह सिलाई हमें बार बार रिपीट करनी है अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हम फिर से रिपीट करके बताते हैं। छह सिलाई पूरी होने के बाद रिपीट अगेन, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आ गए, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हैं, तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, ऊन आगे रखेंगे अपनी तरफ इस तरह से और तीन फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3, छह फंदों का एक डिजाइन होगा, पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, तीन फंदे उल्टे, ऊन आगे रखते हुए अपनी तरफ और तीन फंदे हमने स्लिप किए हैं, फिर से यही छह फंदे रिपीट करेंगे, तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3, फिर से तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, 1 2 3, आखिर में चार फंदे बचते हैं, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, 1
थ्री ऊन पीछे, आखिर का फंदा इस तरह स्टिच का सीधा बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें बार बार ये 6 सिलाई रिपीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाई बार बार रिपीट करने पर इतना प्यारा डिजाइन बनकर आया है। इस तरह से आप 6 सिलाई बार बार रिपीट करें तो इस तरह से बहुत सुंदर डिजाइन बनकर आएगा। ठीक है, और आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक जरूर करें। इससे आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, जो आने वाली हैं उनकी भी और जो आ चुकी हैं उनकी भी, सभी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।